You said this year Durga Puja will not be so big. नमस्कार, वेलकम टू कोलकाता। कोलकाता में दुर्गा पूजा हो और मैं पंडाल एक्सप्लोर करने ना जाऊं, ये कैसे हो सकता है? हमेशा की तरह हमारी वेस्ट बंगाल पूरी दुनिया में दुर्गा पूजा के थीम के मामले में छाई हुई है, तो मैं भी वन ऑफ द फेमस पंडाल को एक्सप्लोर करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता हूँ। लेकिन दुर्गा पूजा आते ही हमारे कोलकाता की ट्रैफिक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है और हमारे गाड़ियों की स्पीड ऐसा से कुछ ऐसा हो जाता है। ट्रैफिक की ये हाल हमारी पूरे दुर्गा पूजा में रहने वाली है, तो इस चीज के लिए हम लोग तो आदी हो चुके हैं। बस में लटके झटके खाने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने उस डेस्टिनेशन पे जहां हमारा कोलकाता का वन ऑफ द फेमस पंडाल बना हुआ होता है। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मानो ऐसा लग रहा होता है कि इस पंडाल के लिए ही पूरे कोलकाता के लोग आए हुए होते हैं। मैं घर से ये सोच के निकलता हूँ कि खाली पंडाल में फटाफट मैं वीडियो बना के निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ का भीड़ देख के हमारी हालत खराब हो जाती है। इस क्राउड में सबसे बेहतरीन प्लेस जो मुझे लगा वो लगा मुझे इन बच्चों का, जो अपने पापा के कंधे पे ऐसे बैठे हुए थे मानो वो घोड़े की सवारी कर रहे हो। घंटे भर से हम लाइन में खड़े हुए थे और मात्र हमने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। मैं सच बताऊं, अगर ये हमारा स्लो मैराथन होता तो हम सभी को फर्स्ट प्राइज मिलता। फाइनली हम पहला नेम प्लेट देखते हैं डिज्नीलैंड का और सोचते हैं इतना भीड़ तो रियल डिज्नीलैंड में भी नहीं होता होगा। ये कुछ है दुर्गा पूजा का श्री भूमि पंडाल के लिए क्राउड, और यहाँ जो लाइन है उसका क्या ही बताएं। अभी करीबन हम एक घंटे से यहाँ पे खड़े हैं और 100 से 200 मीटर के करीब ही हम पंडाल के करीब जा पाए हैं। यहाँ बहुत स्लो लाइन चल रही है और हजारों में लोग आए हैं। अभी जो मेन दुर्गा पूजा घूमना भी बाकी है, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी अभी बाकी है, उससे पहले का ये कुछ क्राउड है और इतने लोग आए हैं, हजारों में लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये कुछ दिखाता हूँ आपको। ये आगे भी कुछ लाइन ये है और उतना ही पीछे भी। जैसे जैसे हम पंडाल के पास जा रहे होते हैं हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, क्योंकि हम घंटों से लाइन में खड़े होते हैं इस पंडाल को देखने के लिए। स्लो मैराथन चल रहा है पिछले 2 घंटे से। अरे फाइनली स्वामी विवेकानंद के स्टैचू का ही वेट था। अब यहाँ से देखते हैं कितना देर लगता है। 2 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में, हमारा स्लो मैराथन चल रहा था। इतना भीड़ तो रियल डिज्नीलैंड में नहीं होता जितना ये श्री भूमि के डिज्नीलैंड पंडाल में हो रहा है। दो घंटे हो गए फाइनली पहुंचने वाले अपने पंडाल के पास। देखना है, बस इतना एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे इस पंडाल को देखने के लिए, वैसा कुछ है भी या नहीं, या बस यहाँ पे हाइप क्रिएट करके रख दिया गया है क्योंकि हजारों का भीड़ है। 2 घंटे करीबन हम लाइन में आए और अभी जैसे हमारा बंगाल में जो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को जैसे पंडाल में घुमाया जाता है, अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है। अभी जस्ट मोहल्ला के बाद का दिन है और ये क्राउड काफ़ी ज़्यादा, जैसे लग रहा है हमारे पूरे कोलकाता के लोग बाकी सारे पंडाल छोड़ के सिर्फ यहीं आए हैं। और मैं बस कोलकाता बोल रहा हूँ, हमारे दुर्गा पूजा को देखने के लिए कोलकाता से नहीं बल्कि वर्ल्ड से काफ़ी लोग आते हैं और भारत के कई ज़्यादा लोग आपको हर एक कोने से यहाँ पे आए हुए दिख जाएंगे। और ये कुछ क्राउड है और सामने जस्ट हम पंडाल के पास पहुँचने वाले हैं और ये देखें
ये क्राउड आगे भी है और उतना ही क्राउड हमारे पीछे भी। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं उस पंडाल को देखने के लिए जिसके लिए करीबन 2 घंटा वेट किए, 2 घंटा लाइन में रहे। वो जो स्लो मैराथन था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो फाइनली जिसके लिए इतना हाइप क्रिएट हुआ था ये डिज्नीलैंड का खूबसूरत सा पंडाल, उसके पास आ गए। आपको दिखाते हैं क्या कुछ है ये पंडाल। वैसे तो यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ खास बनाया जाता है, इस बार का थीम रखा गया डिज्नीलैंड का, तो ये आप देख लो, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ था डिज्नीलैंड का पंडाल जिसके लिए इतने सारे लोग हाइप क्रिएट हुए थे 2 घंटा करीबन लाइन में रखने के बाद फाइनली हम ये पंडाल को देखे। अभी बताओ आपको ये कैसा लगा, कमेंट जरूर करना। भाई हजारों के संख्या में लोग आए हुए हैं इस पंडाल को देखने के लिए और अभी जस्ट हमारा दुर्गा पूजा स्टार्ट ही हुआ है और यहाँ पे लोगों का ये भीड़। तो यही कुछ था हमारा खूबसूरत सा दुर्गा पूजा का एक खूबसूरत सा थीम जो डिज्नीलैंड के ऊपर था। इससे पहले यहाँ पे ट्विन टावर, वेटिकन सिटी, केदारनाथ, ये सारे भी पंडाल के थीम यहाँ पे बनाए जा चुके हैं। तो इस बार का ये डिज्नीलैंड का थीम आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और जितने लोग का यहाँ भीड़ था क्या इस पंडाल के लिए वर्थित था या नहीं। फिलहाल तो हम आगे जा रहे हैं, कम से कम हमारा स्लो मैराथन यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ क्राउड आगे की तरफ बढ़ते हुए।